देखिएगा तो यहाँ पे इसमें बहुत सारा ऐसा पॉइंट दिखेगा जो कि हम लोग को तो पता नहीं है कैसे चढ़ाते हैं, क्योंकि पहली बार पूजा कर रहे हैं। मेन गेट से अंदर अभी जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं तो फिर क्या करना होगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंगलवार को भीड़ लगती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से आदमी सब दर्शन जो भी भगवान जो भी यहाँ पे जो भी चीज मांगता है, जो भी कुछ मांगता है वो सबको पूरा। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग फॉर मुकेश संगम में स्वागत करता हूँ। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा कि पटना में हनुमान मंदिर फेमस है, तो आप लोग को मैं उसी का ब्लॉग बताने वाला हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ हनुमान मंदिर के पास, तो आप लोग को भी मैं दिखाने वाला हूँ हनुमान मंदिर का पूरा व्यू। तो चलिए आप लोग को वहाँ का व्यू कुछ नज़ारा मैं दिखाता हूँ, और पटना का बहुत फेमस है हनुमान मंदिर, और वहाँ जा कर के दिखाता हूँ वहाँ के पे कैसे क्या है, ठीक है। और वहाँ पे जा कर के आपसे मिलते हैं आप लोग। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस। तो फाइनली दोस्तों हम लोग महावीर मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और आपको चल करके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज मंगलवार है, मंगलवार का डे है, तो यहाँ पे मंगलवार के दिन जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होता है, और बहुत दूर दूर से व्यक्ति यहाँ पे आता है। और एक आध पब्लिक से हम पूछेंगे, जानेंगे कि मतलब यहाँ पे कहाँ कहाँ से व्यक्ति आता है, और गार्ड जी से भी जानेंगे कि गेट कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है। तो चलते हैं अंदर का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे प्रसाद लेने, क्योंकि आए हैं तो प्रसाद चढ़ाना जरूरी है आप लोग को, जिस तरह पता है क्योंकि कहीं भी अगर आप लोग भी जाइए तो प्रसाद जरूर चढ़ाएं। स्लीपर एंड शूज रखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन में लगा हुआ है। अगर अभी यहाँ महावीर मंदिर के पास अगर आइए तो आप चाहिएगा कि चप्पल स्लीपर एंड शूज रखना चाहिएगा तो रख सकते हैं, क्योंकि बाहर में रखता है व्यक्ति तो चोरी भी हो जाता है। तो आप लोग आइए तो यहाँ पर सतर्कता जरूर बरती है। अभी हम लोग जाने वाले हैं प्रवेश द्वार के अंदर से, और जैसा कि आपको बता दें कि प्रवेश द्वार के पास हम लोग खड़े हैं, और अभी एक भाई जी जो साथ में आए थे वही प्रसाद लेने के लिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ था प्रसाद के काउंटर पर, तो हम बोले कि जाइए आप वहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि अभी प्रसाद भाई जी ने ले कर आया, ठीक है, और प्रसाद मतलब ले करके हम लोग चलेंगे अंदर चढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और चलते हैं कैसे चढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को तो पता नहीं है कैसे चढ़ाते हैं, क्योंकि पहली बार पूजा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर पूजा किए हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए कि कैसे पूजा किया जाता है, यानी प्रसाद कैसे चढ़ा। प्रवेश द्वार है, मतलब मेन गेट यही है प्रवेश द्वार, इसी मतलब गेट से हम लोग चलेंगे अंदर। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पूजा सामग्री की दुकान है, और यहाँ पे पूजा का जो भी मतलब हनुमान जी का जो भी पूजा का सामग्री होता है, मतलब मंदिर के जो भी पूजा का सामान होता है यहाँ पे आपको मिल सकता है। देख सकते हैं कि आज मंगलवार है, और मंगलवार के डे मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। और हमको भी लाइन में लग करके जाना होगा, मतलब पूजा करना है और प्रसाद चढ़ाना है तो हमको लाइन में लगना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, मतलब आधा घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। और आप लोग अगर यहाँ पे आइए तो टाइम ले करके आइए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी मंगलवार को काम नहीं होने वाला है। हाँ, अगर जल्दी में चाहते हैं पूजा करना तो आप अदर डे में आ सकते हैं, मंगलवार डे को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंगलवार को भीड़ लगता है। और देख सकते हैं अगर आपको लगता होगा कि मेरा प्रसाद कहाँ है, माला कहाँ है, तो देख सकते हैं ये माला जो है अभी हैंड में लटकाए हुए हैं, और प्रसाद ये भाई जी रखे हुए हैं जो कि मेरे साथ हैं। देख सकते हैं भाई लोग, अभी हम लोग इस इधर से गए हैं, फिर आगे से मूव करना होगा, और फिर इधर से मूव करना होगा, यानी तीन बार मूव करना होगा, तब जा करके हम लोग गेट के पास जाएंगे, ठीक है। और चलिए गेट के पास पहुंचते हैं, फिर बता। और गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं तो फिर क्या करना होगा ना, गर्लफ्रेंड को अलग से मतलब लेडीज लोग का अलग से लाइन लगा हुआ है, और आपको अलग से लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग मतलब मेल फीमेल का अलग अलग व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मंगलवार को आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ मिलने को मिलेगा। अगर मंगलवार को अगर आना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम यानी 6 बजे 7 बजे अगर आइएगा तो जल्दी से आप मतलब पूजा कर पाइएगा, नहीं तो अगर 10 11 बजे अगर आते हैं तो फिर क्या होगा ना कि आपको टाइम लगेगा। सोनू जी से पूछते हैं कि अभी तक का जो मतलब सफ़र रहा है कैसा, मतलब कैसा लग रहा है, उनको फीलिंग्स पूछ रहे हैं कि कैसा फीलिंग्स है, बताइए कैसा लग रहा है सोनू जी। बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि देख रहे हैं इतना नज़ारा, और बहुत भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, हर जगह से आदमी सब आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आज जो कि मंगलवार। बोला जाता है कि फेमस है हनुमान मंदिर, तो क्या आपको क्या लगता है, बताइए। हाँ जी, फेमस है यहाँ का मंदिर, क्योंकि बहुत दूर दूर से आदमी सब दर्शन, जो भी जानता लोग मांगेंगे हनुमान जी से मिल जाएगा क्या? अब वो तो मांगने पे डिपेंड है, क्योंकि आजकल बहुत निकल। तो भाई लोग जैसे कि सोनू जी बता रहे हैं कि मांगने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मन से मांगते हैं, अगर सही मन से अगर मांगते हैं हनुमान जी से तो हमें उम्मीद है कि आप लोग का जो मनोकामना है वो पूरा। अभी मेन गेट से अंदर अभी जा रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना करेंगे।
सो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे दान भेंट पान है, यहाँ पे अगर सिक्का वगैरह दान वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं अपने तरफ से। और देख सकते हैं कि जैसा कि रख रहे हैं सोनू जी, मेरे फ्रेंड रख रहे हैं, ठीक है। और बता दें कि देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हाँ, सो दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं और मतलब यहाँ पे हनुमान जी का, यहाँ पे मतलब हनुमान जी का मंदिर है, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं। कि अब मुकेश जी भगवान से मन्नत करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे कुछ भी मन्नत मांगने से पूरा हो जा रहा है, तो इसलिए मुकेश जी भी अपना मन्नत अपनी श्रद्धा से मांगने जा रहे हैं। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि हे भगवान, जो भी यहाँ पे जो भी चीज़ मांगता है, जो भी कुछ मांगता है, वो सबको पूरा कर दीजिए। और मुकेश जी बहुत मन्नत से मांग रहे हैं। बने रहिए हम लोग के साथ मुकेश जी के चैनल पर। बहुत भीड़ लगाते हैं, बहुत भीड़, बहुत बहुत ज़्यादा व्यक्ति यानी भक्त अपने मन से जो भी चीज़ मांगते हैं। तो जैसा कि अभी मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब मूर्तियाँ बनाया गया है, क्योंकि अभी अभी हम पूजा किए हैं नीचे हनुमान बजरंगबली का, हनुमान जी का पूजा किए हैं, और ऊपर में भी मंदिर बनाया गया है, और दिखाते हैं एक एक करके। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और आप लोग अगर पटना में रहते तो एक बार ज़रूर आए हनुमान मंदिर के पास और हनुमान मंदिर में पूजा जरूर करने आए, क्योंकि यहाँ पटना का बहुत फेमस हनुमान मंदिर है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, और दिखाएंगे भी, और बहुत सारा नज़ारा है जो कि आप लोग को दिखाएंगे। तो तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ शिव जी का यहाँ पे मूर्ति, शिव जी एंड पार्वती जी का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है, और यहाँ पे भी मतलब बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि मनोकामना मांग रहे हैं, जो कि पूरा होने की उम्मीद से। मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर पूजा करता है, अगर मन से करता है और मनोकामना अगर कुछ मांगता है गॉड से, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा ज़रूर होता है। सो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होता है, मतलब तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या होना चाहिए। और अगर आप लोग पटना में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए हनुमान मंदिर के पास। ये जो हनुमान मंदिर है आपका पटना जंक्शन के जस्ट जो मेन गेट है, जो फर्स्ट वाला जो फ्रंट का जो गेट है, जस्ट उसी के बगल में मेन गेट है उसका, मंदिर का, ठीक है। तो आप लोग आइए और आपको दिखाते हैं यहाँ का और कुछ नज़ारा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और आप लोग से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। राम मंदिर बनाया है, सेम इसी के आधार पे अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, सेम इसी के आधार पे बना है अयोध्या में राम मंदिर। सो आप लोग देख सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर किस प्रकार मतलब बना है, कहाँ पे क्या दर्शाया गया है,
सो देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इसमें आप अगर वीडियो को स्किप करके अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसमें बहुत सारा ऐसा पॉइंट दिखेगा जो कि अयोध्या में कुछ बहुत अलग किया गया है, जो कि इंडिया में ही किया गया है और जगहों पे नहीं किया गया है इस तरीके से। जैसा कि आपको बता दें कि राम मंदिर को बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जैसा कि विश्व में हालांकि बता दें कि विश्व का भी व्यक्ति राम मंदिर के पास अयोध्या में आएंगे। सो दोस्तों अभी ऊपर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड फ्लोर से अभी मैं अभी प्रार्थना करके अभी चला आया और थर्ड फ्लोर पे अभी चलते हैं। ये बता दें कि आपको थर्ड फ्लोर पे सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, बैठने के लिए बनाया गया है। और एक मतलब वहाँ भी मंदिर बनाया गया है जो कि हम चल करके भी बताएंगे। और देख सकते हैं अभी बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हवन कुंड बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ भी मतलब पंडित जी पूजा करा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से पूजा करा रहे हैं। और आपको अगर मतलब ऊपर में अगर पूजा करवाना होगा स्पेशल रूप से तो करवा सकते हैं, ठीक है। निकासी द्वार से हम लोग अभी बाहर चलेंगे, तो चलिए आपको बाहर लेकर के चलते हैं निकासी द्वार के अंदर से। मैं एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोग कहीं मंदिर या मस्जिद कहीं अगर जाते हैं, अगर मंदिर या मस्जिद के बाहर अगर कोई भूखे व्यक्ति अगर मिलते हैं या कहीं भी अगर भूखे व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति मिलते हैं तो उनको खाना जो भी आपसे हो सके आप उनको ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि हेल्प करने के बाद जो फीलिंग्स आता है ना भाई, आप कभी हेल्प करके देखिए उसके बाद का फीलिंग्स मतलब इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है भाई। आप हेल्प कीजिएगा उसको इतना अच्छा लगेगा, लगेगा कि बहुत अच्छा काम किए, तो आप हेल्प जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए, ठीक है। तो कहना चाहेंगे कि प्रसाद अभी तो प्रसाद हम लोग चढ़ा दिए, तो प्रसाद हम लोग का बचा हुआ है, तो अगर आप लोग में मैं बांटना चाह रहा हूँ प्रसाद, तो आप लोग भी अगर खाना चाह रहे हैं प्रसाद, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को दे नहीं रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं मानना कि भाई दे नहीं रहे और प्रसाद मतलब बोल रहा है खाने के लिए, तो हम आप लोग के साथ प्रसाद खाना चाह रहे हैं। तो देख सकते हैं एक प्रसाद नहीं है, एक मत समझिएगा, क्योंकि ढाबा में पूरा हेलमेट के अंदर रखा हुआ और उधर भी साइड में बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। और देख सकते हैं तभी मैं एक पीस खाऊंगा और आप लोग भी खाइए। जैसा कि मैं अभी हनुमान मंदिर के फर्स्ट फ्लोर से लेकर के और मतलब थर्ड फ्लोर तक मैं आपको सभी का मैं व्यू अभी दिखा दिया आप लोग को। सो इसी वीडियो को लेकर के मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, फिर से अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और आप लोगों से मतलब एक बात बोलना चाहेंगे, एक बार बोलिए जय बजरंग बली की जय, एक बार फिर से बोलिए जय बजरंग बली की जय। सो अगले ब्लॉग में मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। सो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।